बैक टू माय चैनल गाइस, मैं आनंद विदित। तो मैं आज बनाऊंगा रॉकेट। तो मैंने एक मोटा सा ब्रश ले लिया है जो ऐसे पेंट के लिए होता है। तो और ये मैंने थोड़े बहुत पेंट्स ले लिए है, तो एक स्केच ले लिया है। देन तो फिर मैं काम करता हूँ। पहले तो हम लोग को बॉटल लेना है, देन थोड़ा उसके ऊपर डिजाइंस कर रहे हैं। तो मैं डिज़ाइन के लिए आपको जो भी चूज करना है चूज कर लीजिए। पहले तो मैं ब्लैक कर ले रहा हूँ, बिकॉज ब्लैक सबसे अच्छा है। ब्लैक एंड वाइट नीचे कर देता हूँ, या तो आपकी जो भी मर्जी हो। तो मैं डालता हूँ और ज़रा सा इधर से गाइस आप देख सकते हैं। तो मैं इधर से ब्लैक कलर चालू करता हूँ। आपको छोटी बॉटल में भी ठीक है, पर मैं रॉकेट उड़ा तो नहीं सकते, पर एक चीज तो उड़ा सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे डुगू आ चुका है। और आप क्या पी रहे हो? डुगू दूध। देन ये मिल्क पी रहे हैं। तो हम करते रहते कंटिन्यू। आज भैया क्या बनाए? रॉकेट भैया आप बनाए आपको पता है डुगू कितने साल का है? मैं बता देता हूँ आज की वीडियो में। डुगू है 4 साल का, मैं हूँ 9 साल का। देन मैंने ये ब्लैक कर दिया। देन इसके बाद मैं अभी ब्लैक को बंद करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। पहले आपने ब्लैक कर लिया, ठीक गाइस। तो मैं हम भी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा टाइम ना थोड़ा सूखने दीजिए, वरना ये उसमें मिल सकता है। तो तब तक मैं अपनी एक ब्रश अपना ब्रश पहले से सूखने दे देते हैं। तो गाइस तो मैं चलता हूँ इसको, अब देखते रहिए 2 मिनट ये सूखने दीजिए इसे। ओके गाइस मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक। मैं इसे सूखने दे रहा हूँ। तो गाइस तो मैंने इसे सूखने को दे दिया है, ये सूख चुका है। तो फिर अब भैया मुझे अरे तो गाइस तो फिर हम एक पेपर ले लेते हैं फट से। तो इसके ऊपर रख देते हैं हम लोग पेपर। देन हम लोग को थोड़ा सा क्या करा पानी गीला कर देंगे भैया मुझे। तो ना थोड़ा सा तो गाय अरे अरे तो हम लोग अब ब्लू कर लेते हैं, काम करते हैं। तो फिर ब्लू करने जा रहा हूँ मैं। क्या मैं करूँ अभी? डुगू आप अगली वीडियो में कर लेना। ओके okay? तुम अगली वीडियो में करना। तो गाइस तो यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। देन तो फिर गाइस एक काम करता हूँ मैं, फोर्ट से ब्लू लीजिए, आपकी जो भी मर्जी लीजिए लीजिए, ठीक। तो मैं ब्लू को बंद करके इधर रख देता हूँ। देन आपको अच्छे से इसके नीचे ब्लू कर लेना है। गाइस ये स्लोली स्लोली कर रहा हूँ मैं।
हवा ले रहा है अच्छे से, तो इसे भी थोड़ा सूखने देते हैं। देन ये थोड़ा सूखने दीजिए। तो अब गाइस इसके नीचे हम लोग क्या करें आप बोलिए। मेरे को लग रहा है येलो कर सकते हैं, तो येलो लीजिएगा आराम से। मैं इधर से अच्छे से रगड़ लेता हूँ। तो गाइस मैं येलो ले रहा हूँ, डुगू हवा ले रहा है अभी के लिए। तो हम करते रहते हैं धीरे धीरे। आपके हाथ में पेंट भी लग सकता है क्योंकि मेरे हाथ में लग चुका है। कोई नहीं गाइस, अब अगर आपका जो भी आप आवाज में कैसे उड़ा सकते हैं कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले सैनिटाइजर लेना होगा शायद ये हो, क्योंकि मैंने तो देखा इसको एक बार किया था तो कभी कभी होता है वो। तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, माचिस लीजिएगा और सैनिटाइजर एक काम करिएगा, सैनिटाइजर बॉटल में डाल दीजिए करेगा, सैनिटाइजर बॉटल में उसे अच्छे से शेक करके शेक शेक करते 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 आपको अच्छे से कर लेना है ऐसे शेक करते 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 करते। देन तो फिर हमें शेक कर लेना अच्छे से। तो गाइस जो आपको वाइट वाइट बचे हैं इधर मैं कुछ कवर अप करूँगा। तो ठीक गाइस, तो मैं वहाँ से अब क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग रेड यूज़ करते हैं। देन गाइस तो देख सकते हैं रेड खोला भैया मामू को, ये देखिए डुगू। तुम अगले वीडियो में करेंगे हम लोग करेंगे, मैं क्यों कर, क्योंकि अभी हम लोग अच्छा सा ड्राइंग बना रहे हैं। तो मुझे कर भैया आप रॉकेट बनाओगे? हाँ मुझे रॉकेट बनाए, हाँ मुझे रॉकेट बनाए भैया। गाइस ऐसे ऐसे कर लेते हैं दो ना। तो गाइस रुक जाओ, गाइस से मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइस हम लोग अच्छा से एक रॉकेट बनाएंगे, तो आपको कैसे बनाना है अपनी मर्जी से। आप मेरा कॉपी भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। पर जो सैनिटाइज वाला है मैंने आपको अभी बताया जस्ट पहले ही, तो वो आपको वही करना है। या तो आपको एक ऐसी वैसी वैसा आपको यूट्यूब पे दिखाएगा, और मैंने तो यही सोचा पर मैं आपको उड़ा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि डेंजरस भी होता है। तो आप किसी के बड़े के साथ करना जो आपके घर का हो, तब जैसे कि वो मतलब कि 13-14 साल का तो होना चाहिए। मैं तो उड़ाऊंगा नहीं से, बट कलर करके आपको बताऊंगा कैसे। तो गाइस मैं करते रहता हूँ और ये अपना ये हो रहा है, और मेरे इधर ट्रेंड भी आती है गाइस, बहुत अच्छी होती है वो ट्रेंड। देखिए कितने खतरनाक आवाज है, ध्यान से सुनिएगा। देख सकते हैं इतना हो चुका है हमारा, तो इससे हम थोड़ा सोचना देते हैं। तुम्हारी बारी अभी अगले वीडियो में, तब तक तुम एक काम करो, हम लोग एक ड्राइंग भी बनाएंगे अगली बार, अच्छी से ड्राइंग बनाएंगे गाइस। तो पहले हम इसे ऐसे कर लेते हैं ठीक गाइस। देन इसके इधर क्या करें आप सोच, अब मैं सोच रहा हूँ ये जी। चलो आइडिया हमें मिल चुका है, डुगू में हमें बताया है ग्रीन। गाइस आपको कुछ यहाँ पे डेकोरेशन करना होगा, तो मैं डेकोरेशन करूँगा, अब देखते जाइए बस वीडियो को। अब बना जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, अगर जो लाइक किया ना इसे सब्सक्राइब किया ना, लाइक और सब्सक्राइब किया ना, उसे 2000 की गट्टी मिलेगी। बोल रहा हूँ 2000 की गट्टी मिलेगी। देख सकते हैं आप ट्रेन आ रहा है गाइस,
बोलना था आपको पहली वीडियो में, तो भी बोलूंगा आपको, ये बहुत मस्ती करता है रॉकेट। तो पापा ये देखो भैया मुझे नहीं दे, नहीं नहीं तो देखो ये हम लोग कर रहे हैं। तो अभी डुगू अभी जिद कर रहा है कलर के लिए, तो वो बाद में करेगा। और तो हम लोग मुझे करो मुझे करो पापा डुगू। अभी देखिए गाइस ये हो चुका है इतना, तो मैं अभी के लिए थोड़ा सा इधर रगड़ लेता हूँ। पापा क्यों मत यू डू मैं बना लो भैया। यार ब्यान यू कंटिन्यू वेरी गुड बॉय। दिस इज माय चाचू एंड दिस इज माय चाचू एंड गू पापा ना। मैं मुझे कर भैया हूँ। नो बट आई शो हिम ना कौन सा कलर के बगल में बिठाओ। तुम चूज करो क्या चूज करोगे तुम बताओ। मैं ग्रीन तो ग्रीन हो चुका है, तो दूसरा बताओ कुछ। ग्रीन तो खत्म हो चुका है, कुछ और बता जरा। पिंक। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर ले रहा हूँ गाइस। पिंक। तो मैं इधर से थाउजेंड पकड़ रहा हूँ। पिंक कर पिंक। तो गाइस मैं व्हाइट इधर कर लेता हूँ। हाँ पिंक कर हम पिंक। देखिए मैंने सब कलर मिक्स किया थोड़ा। पिंक। तो पिंक पिंक बन रहा है यहाँ पे। पिंक है तब भी पिंक बन रहा है। तो बन रहे से बन दीजिए। आपके हाथ पे कलर लग सकते हैं, तो आप भी लीजिएगा। अभी देखिए दुग्गू अभी कलर चूज कर रहे, तो वही कलर से मैं करूंगा। ब्लैक ब्लैक ये ब्राउन। ओके ब्राउन करना मुझे मुझे तो जैसे इसको थोड़ा सूखने देते हैं, इसको थोड़ा सूखने दे गाइस। तो थोड़ा सा आपके हाथ में लगेगा बट कोई नहीं। मुझे तो भैया मुझे अब देखिए मैं स्टाइलिश करूंगा इसे। तो डुगू अपना यहाँ पे एक मैं इसे थोड़ा सा पेपर दे रही हूँ, तो इसी के ऊपर ये कलर करेगा अपने हाथों से, क्योंकि अभी ये बच्चा ब्रश नहीं चला पाएगा। ठीक है मैं ये दे दे रहा हूँ इतना पार्ट, तुम इसे कलर करो इसके ऊपर करो कलर। देन मैं अरे ब्रश नहीं की बात, आप अपने हाथों से करो। देखो इधर आके बैठो, इधर आओ। तो गाइस इसे थोड़ा सूखने देते हैं। देन तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, हम लोग में एक काम करते हैं हम लोग पहले। तो हम लोग यार यहाँ पे देख सकते हैं डुगू में सब कलर अभी मिक्स कर दिया, ध्यान दीजिए गाइस। तो हम लोग कुछ और क्रिटिकल यूज कर लेते हैं। तो मैं जैसे कि ब्लैक के ऊपर कुछ डिजाइन करता हूँ। मुझे तो यहाँ पे आप इससे करो, लो स्केच करो स्केच। हाँ ओके, तो मैं गाइस इधर ग्रीन कर रहा हूँ, मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ। तो ग्रीन ग्रीन बार बार बोल दी सॉरी। तो यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन किया हुआ भी लगाए। हाँ लगाए लगाए मैं यस यस यस। देखो अपना फिंगर प्रिंट से कर रहा है, अपना फिंगर से मतलब प्रिंट कर रहा था अभी, ऐसे ऐसे प्रिंट कर रहा था। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक है ना ऐसे किया, ऐसे प्रिंट कर रहा था। ब्लू ब्लू ऐसे कर लिए और तो देन अलग अलग करने का सेम भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ग्रीन के बाद मैंने ये ले लिया
पेपर से पकड़ रहे हो, बाद में फिर से कर दूंगा ये। आप बताइएगा मेरे को कमेंट में कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, एप्पल या ओप्पो, मुझे कमेंट में बताइएगा। देखिए ऐसे, देखिए मैं कैसे ऐसे डेकोरेट कर देता हूँ, कितना अमेजिंग कलर लग रहा है गाइस ये, तब मस्ती बस करते हैं, मतलब मस्ती कहाँ कर रही थी, तब भी फिर रेड हो गया। तो अभी गाइस तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पिंक, तो क्या नाम गाइस पिंक लेंगे, यहाँ से पिंक ले लिया जाए हम लोग। दुगा अपना फिंगर प्रिंट कर रहे हैं, तो गाइस हम लोग भी फिंगर प्रिंट कर सकते हैं, इससे भी अच्छा होगा। अंदर हम लोग शायद कुछ एक गाइस, अब मैं ले रहा हूँ ये अपना स्किन कलर है ना, वो लेते हैं। आपको दसा भी डेकोरेशन करनी कर रही है, मैं प्रिंट से कर रहा हूँ पर प्रिंट से अच्छा भी आएगा। ये लो देख सकते हैं डिग में क्या क्या गाइस, गाइस देखो आपको उधर से दिख नहीं रहा होगा, इधर देखिए। तो गाइस तो दे देते हैं और तुम इस दूसरे पर बता रहे हो। तो गाइस तो हम लोग यहाँ पे एक फिंगर प्रिंट मार देते हैं, इससे अच्छा आता है देख सकते गाइस। थोड़ा अच्छा आ रहा है, ये देखिए इधर का काम हो गया गाइस। देन तो फिर हमें क्या करना है, अभी इतना हो गया ना, तो पहले आपका आपका मेन है इसे सुखाना, तो थोड़ा सा इसे सूखने दीजिए थोड़ा टाइम, 5 मिनट जस्ट, तो तब तक मैं अपना हैंड वॉश करके आ जाता हूँ, फिर हम लोग को ब्रश ही करना है वाइट कलर से। तो मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ, देख सकते हैं डिग्गो में क्या किया। गाइस मैं इधर अपना हाथ धो के आया, थोड़ा बहुत वॉश नहीं हुआ मेरा हाथ, जिससे प्रॉब्लम। हाँ ये डिग्गो बाद में धो लेगा, तब तक तुम इस पे बना सकते हो। देन अगर आपका घर गंदा हो रहा हो मेरी तरह, तो आप इसे साफ भी कर, मतलब कि इसके ऊपर न्यूज़पेपर रख के भी कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने न्यूज़पेपर किस लिए रखा है, देख सकते हैं इधर कुछ नहीं हुआ। डुगू ऐसे बच्चा है, तो आप साफ कर दीजिएगा, हो सकता है साफ। देन हम लोग साफ कर लेंगे इसे, क्योंकि पेंट को जो रहता है ना, अगर आप 3-4 घंटा उसे
अच्छे घंटे ऐसे ही रखोगे ना तो वो ऐसे ही छुपक जाएगा, तो छोटे तरह दो तीन रगड़ोगे ना दो तीन तब हट जाएगा। तो कलर्स कर ले रहा हूँ, तो ये बंद कर दिया, तो मैं बस व्हाइट कलर लिया। आपको अगर स्टार बनाने आते तो बनाएंगे, मेरे को आते है थोड़ा बहुत, ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। चलो तो अरे मैं किस पेपर से पकड़ूंगा अब, बाहर लेती हूँ ऐसे। यहाँ पे मिक्सिंग चल रहा है, क्या काम चल रहा है यहाँ पे? काम चल रहा है यहाँ पे, चल यहाँ पे काम। ओ तुको क्या कर ये देखो डुगू सब भाग कर दी सर, यहाँ पे डुगू गंदा कर दिया, खुद ही बोल रहा मैं सब गंदा कर, यहाँ पे जल्दी से हम लोग ding 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 मैंने येलो ले लिया, अरे पेपर कहाँ से आ गया, तो मैंने येलो तो मैं बना ले। और ये देखिए गाइस, मैंने इसका मुंह बना दिया बटन नहीं, इधर इधर देखो, तो इधर इसका डेकोरेशन हो चुका है फाइनली। तो मैं येलो और वाइट को मिक्स, मतलब कि ऊपर पकड़ के इधर इधर पकड़ के मेरे पकड़ के येलो वाइट को थोड़ा ही वाइट लिया हूँ, देख सकते हैं गाइस जी। हमारा रॉकेट तैयार हो चुका है और आप इसे ऐसे उड़ाएंगे, समझ में आया आपको गाइस? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सैनिटाइजर लेना है, फिर पहले बताया था, पहले स्प्रे को छान लेते हैं। तो आपको सैनिटाइजर लेना है, फिर उसको एकदम बंद करके उसको शेक कर देना है, फिर इसे देन खोल के ऐसे लिटा देना है, और देन इधर आग आग जला देना है, और शायद ही हो, और ये उड़ के ऐसे नीचे से मतलब घसीटते घसीटते जाएगा, तो आपका रॉकेट बन चुका है, बस आपको सैनिटाइजर करके करना है। तो गाइस ये देखो, देख के डुगू मैं पेपर की ऐसी ऐसी हालत की है ना, बता सकते हैं आप? देखो फिर अब मेरा हाथ दिलाओ, अरे दिलाओ। तो बाय गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो बड़ी मेहनत से बनी है, और आप मार्बल को, मार्बल आपको पता है, मार्बल मार्बल देखते रहोगे आप लोग, उसमें तो थोड़े बहुत ही बनते होंगे जो मार्बल देखते रहेंगे। तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग आयरन मैन है तो बहुत पसंद करते हैं, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जाएगा, देख सकते गाइस। बाय गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।